हेलो, हाँ सर। समझ गए ना? हाँ सर। ओके सो अभी आते हैं अश्विनी के क्वेश्चन पे। उसने बोला है हाउ टू इंस्टॉल। हाँ हाँ बेटा इको का थोड़ा सा सही करो, किस तरह सही होगा? एक काम करो, सर वो आवाज रिपीट रिपीट हो रहे हैं। कंप्यूटर से लीव कर दो हाँ आप। सर। हाँ सर। सर हाँ सर सर 1 मिनट। सर स्टार्ट करो। ओके स्टार्ट सर करें। हाँ हाँ स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ सर। ओके सो अब बिल्कुल सही आवाज आ रही है ना? गुड। अब क्वेश्चन पे आते हैं अश्विनी के। अश्विनी का क्वेश्चन है हाउ टू इंस्टॉल ऐप इन पीसी। ओके तो अश्विनी पहले आप क्वेश्चन बताओ, आखिर क्या किस तरह का क्वेश्चन है ये, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? सर मतलब कौन सा भी ऐप हम कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? लाइक एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्रोमा हम कैसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं? ओके तो देखो क्रोम तो ऑलरेडी देखो क्या होता है, मोबाइल होता है एंड्रॉइड डिवाइस, ठीक है? हाँ सर। क्या होता है वो एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो विंडोज होता है, ठीक है? हाँ सर। तो ये होते हैं, इनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें हमारा सिस्टम रन करता है। ओके मतलब हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, हम जो मोबाइल चला रहे हैं, वो इनके ऊपर चलता है, ये बेस होता है। जैसे कहते नहीं, ट्रेन जब रुकती है तो प्लेटफॉर्म आता है, तो हाँ आप प्लेटफॉर्म में उतरते हो। हाँ सर। सेम एज है कि जब आप डिवाइस ओपन करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वो आपकी प्लेटफॉर्म की होती है, और वो हाँ प्लेटफॉर्म सर। दोनों में डिफरेंस है, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे विंडोज होता है, ठीक? हाँ अब सर। अगर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है तो सिंपल सी एक बात आती है कि जो एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट, ठीक? डिफरेंट। मीन्स हाँ एंड्रॉयड सर। में चलने वाली एप्लीकेशंस डिफरेंट होंगी विंडोज में चलने वाली एप्लीकेशंस से, ठीक? पहली हाँ चीज। दूसरी चीज, एंड्रॉयड क्या एक मोबाइल डिवाइस होती है ना, हाँ जो एक छोटी सी डिस्प्ले वाला होता है, इजी टू यूज, ठीक? लेकिन हाँ सर। विंडोज आप चला रहे हो कंप्यूटर में, मतलब बड़ी स्क्रीन, बड़े फीचर्स, हाँ तो एंड्रॉयड में आपकी छोटी छोटी एप्लीकेशंस और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन विंडोज में बड़े बड़े एप्लीकेशंस, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स विद एक्स्ट्रा फीचर्स। इसमें कम फीचर्स के एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें ज़्यादा हाँ फीचर्स के एप्लीकेशंस सर। होते हैं।
तो जब डिवाइस ही अलग अलग है, मतलब आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो ही डिफरेंट है, तो एप्लीकेशंस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। हाँ सर, ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस मोबाइल पे चल रही हैं वो कंप्यूटर पे चलेंगी? नहीं। नहीं चलेगी। हाँ, सेम कंपनी की एप्लीकेशन दोनों के लिए अगर डेवलप की गई है, लाइक क्रोम जो आप यूज करते हो, ठीक है, हाँ सर, वो क्या है, मोबाइल के लिए भी बनाई गई है हाँ और हमारे कंप्यूटर के लिए भी बनाई कंप्यूटर, गई है, ठीक है, हाँ तो वो सर, दोनों में चल सकती है, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अलग एप्लीकेशन है, विंडोज के लिए अलग है, कंपनी एक है, तो आप सोचते हो अरे वही एप्लीकेशन तो मोबाइल पे चला रहे हैं, वही तो कंप्यूटर पे, ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, उनका जो बिल्डिंग फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो जो आप कंपेटेबिलिटी जानते हो, आप कंपेटेबिलिटी, नहीं सर, कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है लाइक आपको मान लीजिए 5 नंबर का शूज आता है, ठीक है, हाँ, और संगीता को 10 नंबर का आता है, तो क्या संगीता आपका शूज पहन सकती है? नहीं नहीं सर, पहन सकती ना, तो वो होता है कंपेटिबिलिटी, ठीक है। हाँ हाँ, सर, तो जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के एप्लीकेशन होते हैं वो विंडोज में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। एक सबसे सिंपल अगर एग्जांपल बताऊं, एक्चुअली क्या है, अब आप लोग नए बच्चे हो तो आप लोगों ने केवल एंड्रॉयड मोबाइल ही देखा है, पहले क्या चलता था, नोकिया का विंडोज फोन आता था, याद है आपको? हाँ हाँ सर, तो अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाँ एक चीज अभी ले लो, एप्पल का फोन आता है, ठीक है, हाँ सर, एप्पल पे चलता है iOS, क्या iOS, आईओ, ये है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एप्पल की एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है, एप्पल का क्या है वो प्लेटफॉर्म है, यस, वो हाँ iOS होता है, ठीक है। हाँ सर, तो अगर आपको, मान लो आपके पास एप्पल का मोबाइल है, आपने उसमें फोटोज खींची, ठीक है, अब आप हाँ बोलो यार मुझे मेरे फोन में ट्रांसफर कर दो, हाँ ठीक है, तो वो हाँ आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता और क्यों ना आप उसे कर सकते हो, क्यों सर, क्योंकि कैसे सर? जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, आपके मोबाइल में पड़ा है एंड्रॉइड एंड्रॉइड, लेकिन उसके में पड़ा है iOS, आईओएस, वो आपको सेंड करेगा पता कैसे, व्हाट्सएप पे भेजेगा, मेल कर देगा, मतलब जिस तरह आप वाईफाई से वो शेयर इट करके और जो एप्लीकेशंस होते हैं ना हाँ उससे सर, भेजते हो, मोबाइल टू मोबाइल पे शेयर इट का यूज आप लोग करते होगे शायद मेरे हिसाब हाँ से, हाँ शेयर हाँ इट हो सर, गया, शेयर मी हो गया, जेंडर हो गया, है ना, हाँ सर, इनका यूज करते हो। हाँ, जो ब्लूटूथ है ब्लूटूथ से आप सेंड कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्लूटूथ से स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है ना, हाँ सर, तो वही चीज है कि प्लेटफॉर्म जब डिफरेंट है तो एक दूसरे की चीजें भी ट्रांसफर नहीं होंगी, ना ही एक दूसरे की एप्लीकेशन जो इसमें चलना है वो उसमें नहीं चलेगी, पहला तो ये चीज होती है, ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक। हेलो, ठीक है, तो अगर अगर उस कंपनी ने, जिस कंपनी की एप्लीकेशन हम चलाना चाहते हैं, अगर उसने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए एप्लीकेशन बनाई है पहले से ही, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, लाइक क्रोम, क्रोम ने किसके लिए, दोनों के लिए बनाया है, मोबाइल के लिए भी हाँ बनाया है हाँ कंप्यूटर और कंप्यूटर के लिए, के तो वो दोनों चला सकते हैं। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे नहीं है, मोबाइल की एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे चला सकते हैं, ठीक लिए, है, हाँ कुछ लोग हाँ आपसे बोलेंगे कि हम जो मोबाइल का गेम है, जो एप्लीकेशन है, जैसे प्ले स्टोर आप यूज करते हो, हाँ सर, वो हम कंप्यूटर में कर लेंगे, ठीक है, आप उससे बोलना ओके, आप करके बताओ विदाउट विदाउट यूजिंग, नेटवर्क नहीं, थर्ड क्या, पार्टी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी ठीक एप्लीकेशन सर, है, ये क्या हम होता है? बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो होता क्या है,
अब आपने उससे कहा कि भाई साहब, उसने उसने आपसे क्या बोला, अरे हम मोबाइल में जो एप्लीकेशन चल रही है वो हम किस में चला लेंगे, कंप्यूटर में, में। ठीक है, उससे कहना ठीक है, उससे बोलना आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए बिना चला के दिखाओ, तो वो नहीं चला पाएगा। अब ये समझना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो समझो, जा हाँ कंप्यूटर जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, ठीक है। वो हाँ एडवांस्ड फीचर्स सर। क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा रैम है, एक्स्ट्रा प्रोसेसर है, ठीक है, हाँ और सर। मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है इसका, ठीक है। हाँ ये सब सर। फीचर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पता है वो किस तरह चलाएगा, वो हाँ एक हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेगा जिसको हम ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो बताता हूँ, ब्लू स्टैक। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इसके अंदर मोबाइल बना लिया जाता है, ठीक है। मेरे पे हाँ मोबाइल है, सर। मैं दिखा दूं अगर सिस्टम स्लो ना हो जाए मेरा, बस मैंने हटा दिया शायद। हाँ हटा दिया, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया एक सॉफ्टवेयर, और मेरा जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, नहीं उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, चलो ठीक है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि, ठीक है। ओके, तो उससे क्या होता है, आप वो पता है क्या करेगा, जो बंदा कह रहा है कि मैं मोबाइल के एप्लीकेशंस कंप्यूटर में चला दूंगा, वो क्या करेगा, वो मोबाइल ही बना देगा आपके कंप्यूटर में, समझे, नहीं समझे, सर। नहीं सर। नहीं समझे, नहीं नहीं, सर। वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेगा, एक सॉफ्टवेयर हाँ डालेगा, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको लगेगा आपने मोबाइल ओपन कर लिया, हाँ सर। मतलब वो पता है क्या करता है, वो जो प्लेटफॉर्म होता है इसका, एंड्रॉइड, ठीक है, जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म होता है वही इंस्टॉल कर देता है विंडोज के अंदर, समझे। हाँ सर। तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब सीधी सी बात है, तुमने पूरा का पूरा एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है वही कंप्यूटर पे डाल दिया, अब उसमें तुम मोबाइल के एप्लीकेशन तो चला ही पाओगे, ठीक है। बात लेकिन ये चीज होती है, रुको हो गया, सर। हाँ सर बोलो। ओके। तो उसमें होता क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस, मतलब कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है, हाँ ठीक है। अब आखिर क्यों स्लो हो जाएगा, इसलिए स्लो हो जाएगा कि आप कंप्यूटर पे विंडोज तो चला ही रहे थे, प्लेटफॉर्म तो चला ही रहे थे एक, अब आप उसमें साथ साथ क्या चला रहे हो, एंड्रॉयड भी चला रहे हो, तो एंड्रॉइड। वो डबल डबल प्लेटफॉर्म चलाने के कारण थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो उससे कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी अभी जो हमारा नई विंडोज आई है उसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो विंडोज फोन की ही। ये देखो मैं अपने में दिखा देता हूँ, स्टोर है एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, देखो इसमें प्ले स्टोर नहीं है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, और इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आपकी सारी वो एप्लीकेशन, देखो व्हाट्सएप, डेस्कटॉप, डॉलबाई एक्सेस, हाँ सर। सारे के सारे गेम्स और एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। सारा मोबाइल का एप्लीकेशन यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको, हाँ सर। बट ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, याद रखना, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ। तो इले इसका जो एप्लीकेशन मोबाइल पे चल रहा होगा कंपलसरी नहीं वो विंडोज में भी चलेगा, चले और जो विंडोज में चल रहा है वो कंपलसरी नहीं एप्लीकेशन एंड्रॉयड में चले, एक्टिविटी। एंड्रॉयड मीन्स मोबाइल, ओके ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा मेरे हिसाब से, काफी सर। लंबी चीज है ये, एक डिस्कशन वाला बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हों तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ सर हो ओके। गए। तो
आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं वर्डप्रेस पे लौट के। मैंने आपसे कहा था कि वर्डप्रेस और कैनवा साथ में पैरेलल हम चलाएंगे। हाँ सर, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक टेम्पलेट्स और पहले से प्री डिफाइन में थोड़ा सा बताता हूँ। किसी का हाँ अपने सर, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए मुझे, किसी का किसका मिलेगा? क्या मुझे यहाँ पे टाइप करके भेजो किसी एक का, किसी का भी यूजर नेम और पासवर्ड।